पुलिस ने स्मैक के अब तक की सबसे बड़ी खेप को पकड़ा है। पकड़ाए स्मैक की कीमत करीब 80 लाख रुपया है। इस मामले में अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर गिरोह के 5 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ाए सभी तस्कर ज्यादातर सहायक खजांची थाना क्षेत्र के सुभाष नगर, सुदीन चौक, धमदाह एवं बनवनखी के हैं। सभी लोग बंगाल से स्मैक लाकर पूर्णिया में छोटे छोटे विक्रेताओं को दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 1 किलो 550 ग्राम स्मैक और 2 चार चक्का वाहन भी जब्त किया है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। पूर्णिया पुलिस के द्वारा नशा मुक्त पूर्णिया अभियान के तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में स्मैक के माफियाओं के विरुद्ध छापेमारी करके गिरफ्तारी करने के लिए टीम गठित की गई थी, जिस टीम में के नगर थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार, कस्बा थाना प्रभारी चंदन ठाकुर, संजय कुमार सिंह जो अभी खजांची में है और कई अन्य पदाधिकारी थे जो इस टीम में शामिल थे। इस टीम को कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पश्चिम बंगाल से एक बहुत बड़ा खेप स्मैक का मंगाया जाने वाला है यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा। कल सुबह 3 बजे से ही हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी और लगातार इनके मूवमेंट पर नज़र रखते हुए इसे ट्रैप करके कल लगभग 7:30 बजे के आसपास हम लोगों के द्वारा एक गाड़ी को डिटेन किया गया, उसको चेक किया गया और उसमें से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 1550 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई, जिसकी बाजार में अनुमानित मूल्य जो ब्लैक मार्केट में लगभग 80 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। इस पूरे कांड में 2 वाहन को जब्त किया गया है और कुल गिरफ्तारी 6 है, जिसमें जो मुख्य सरगना है पूर्णिया जिले का, जिसके द्वारा बंगाल के माफिया से संपर्क करके माल को थोक भाव में मंगा कर यहाँ के रिटेल जो छोटे छोटे ब्लैक मार्केटिंग में पुड़िया बना के बेचा जाता था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसका नाम अमन कुमार है। पूरा डिटेल आप लोग को इस पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं सरगना? कौन सरगना? पूर्णिया के रहने वाले हैं सारे, इसमें सबकी गिरफ्तारी हुई है, सभी पूर्णिया के रहने वाले हैं। जो मुख्य सरगना है उनका नाम अमन कुमार सिंह है, जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल के माफिया से संपर्क करके स्मैक को पूर्णिया में मंगाया जाता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है पूर्णिया जिले के लिए। इसके लिए विशेष रूप से बधाई के पात्र हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, जिन्होंने लगातार 12 घंटे ऑपरेशन करके इसको फाइनल आउटकम तक पहुंचाया है। बंगाल की बड़ी मात्रा में इसमें आता कहां? इसके बारे में हम लोग को डिटेल प्राप्त हुआ है, उस पर हम लोग अभी और डेवलप कर रहे हैं, आपको आगे भी इसके बारे में हम जानकारी उपलब्ध करेंगे। गिरफ्तारियों की संभावना? बंगाल में जिसके पास से माल आता था उसकी जानकारी हम लोग को प्राप्त हो गई है, हम लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप लोग को बहुत जल्दी उसके संबंध में भी जानकारी उपलब्ध। इसमें कोई महिला के भी होने का नहीं? अभी हमारे पास जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी केवल 6 लोगों की है। इनके पास जो उपलब्ध मोबाइल और जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम लोग अभी कार्रवाई आगे कर ही रहे हैं, हो सके इसमें कुछ और गिरफ्तारियाँ होंगी। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।